फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताना जा रहा हूं कि आप थाईलैंड का वीज़ा कैसे अप्लाई करेंगे या क्या फॉर्मेलिटी लगेगी। अगर आप थाईलैंड का वीज़ा अगर स्टिकर फॉर्म में चाहते हैं तो आपको दिल्ली से अप्लाई करना पड़ेगा और उसके लिए बैंक स्टेटमेंट वगैरह भी लगेगा। लेकिन इंडियंस को उन्होंने वीज़ा फ्री कर रखा है अभी, तो बेटर है कि आप वहीं जाके वीज़ा ले लीजिए। इसके लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए सबसे पहले, वो तो जिसको पता है आपको कि पासपोर्ट 3 मंथ्स की वैलिडिटी का और 2 पेज ब्लैंक हो उसमें, वो कंपलसरी लगेगा। इसके अलावा ये लोग कंफर्म टिकट मांगते हैं जो आपको होना चाहिए, आपकी जाने आने की कंफर्म टिकट हो, आपकी कंफर्म होटल वाउचर हो। पेमेंट नहीं किया होगा चलेगा, आप booking.com से करवा लीजिए, वो लोग ये मानते हैं। इसके अलावा ये 10,000 baht आपसे पूछ सकते हैं कि आपके पास में है कि नहीं है। जैसे मैं 10 बार जा चुका हूँ, लेकिन इस बार उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि करेंसी दिखाइए। तो 10,000 baht आप अपने पास में कैश रखिए, बाकी अगर डेबिट या क्रेडिट कार्ड है तो भी चलेगा। इसके अलावा जैसे ही आप वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ पे आपको एक फॉर्म वीज़ा अराइवल काउंटर पर मिल जाएगा। सिंपल आपको फॉर्म भरना है, वाइट बैकग्राउंड के अंदर आपको अपने फ़ोटो चिपकानी है। कोशिश कीजिए यहाँ से आप फेवी स्टिक या कुछ भी गम साथ में कैरी कीजिए, क्योंकि वहाँ रात को कुछ मिलता नहीं है। इसके अलावा अभी अप्रैल तक तो वीज़ा फ्री है, तो कुछ भी नहीं चाहिए, आराम से जाइए, स्टैंप लगवाइए और घूमिए फिरिए। लेकिन जब से भी बैंकॉक का वीज़ा फ्री हुआ है, इतनी लंबी लाइन लगने लग गई एयरपोर्ट पे कि इस टाइम भी मेरे को करीब 2-2.5 घंटे लग गए थे VOA की स्टैंप लगवाने के लिए। और उन्होंने थोड़ा सा पेपर चेक करना भी ज़्यादा शुरू कर दिया है, पहले पेपर्स वगैरह नहीं मांगते थे, लेकिन अब ये लोग पेपर्स वगैरह पूरे मांगते हैं। एक बात और जो बहुत ज़रूरी है, इस बार मैंने पहली बार देखा है कि बैंकॉक से किसी को डिपोर्ट किया गया है। हुआ यूँ कि मेरे साथ में जो मेरा को पैसेंजर था, उसको इमिग्रेशन फॉर्म या एक अराइवल कार्ड दिया जाता है, छोटा सा इतना सा रहता है, पर्ची सी वो दी जाती है। तो वो हमें भर के जब हम फॉर्म सबमिट करते हैं अपना वीज़ा के लिए तब देना होता है। वो उसने दिया और उससे वो मिसप्लेस हो गया, उन्होंने मांगा कि वो फॉर्म दीजिए, नहीं था उसके पास में, तो सिर्फ इसीलिए उसको डिपोर्ट कर दिया गया। तो आप कुछ भी खो दीजिए बैंकॉक के अंदर, अपना पासपोर्ट और अराइवल कार्ड मत खोइए, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम फंस जाएंगे। बैंकॉक में वैसे कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती पासपोर्ट कैरी करने की, लेकिन एक सेफ साइड के लिए आप हमेशा एक पासपोर्ट की फ्रंट और बैक कॉपी कलर में स्कैन करवा के फोटोकॉपी करवा के रखिए, और अराइवल कार्ड वगैरह जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है उनका फ़ोटो खींच के अपने मोबाइल में रखिए, वो आपके सेफ साइड के लिए रहेगा। बाकी आराम से घूमिए फिरिए, कोई कहीं प्रॉब्लम नहीं है। चलिए।